जरा देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, इनका काम है मिस मदीहा का जी सर। है। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो आपको इसके नकल करने से क्या फायदा हुआ और क्या मुश्किलात आई? सर, सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट क्लास में काम सेंड किया था उसमें मैंने मतलब मुझे पता नहीं था कि किस तरह से जोड़ना है। वो तो मैंने वैसे ही जोड़ लिया था और इत्तफाकन वो सही जुड़ गया। अब जब कायदे का पता चला तो अब मुझे काफी मुश्किल लगी उसको जोड़ने में। कहीं कहीं मुझे जबरदस्ती खींच के जोड़ना पड़ा तो थोड़ा सा मुझे इसमें मुश्किल पेश आई है। लेकिन मुश्किल बाकी मेरा पेश हाल आई, थोड़ा लेकिन कंसर्न है तो वो मतलब खुले खुले वर्ड्स नहीं मुझसे लिखे गए। ये मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि मेरे मतलब वर्ड्स थोड़े तंग तंग हो गए हैं। तो ये आपकी कौन सी कोशिश थी, पहली और आखिरी, या इससे पहले भी मशक की है? नहीं सर, ये मश्क के बगैर वाला है। मतलब पहली और आखिरी है। सही, जी सर। चलें जी, अच्छी अच्छी कोशिश है। और इसमें यही है कि आप अल्फाज की प्रैक्टिस आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी नजरी मश्क अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि हा और सीन अहसन तुम में जुड़े हैं, अब इसमें इसको खूबसूरत बनाना है। और इसी तरह से मौता कुम तमीम हो गया, कुफू कफा हो गया, मसावीहिम तमीम हो गया, अन का आइन हो गया, मसावीहिम का या हामीम हो गया, सदाफा का दाल बहुत बड़ा हो गया, नबी का या बहुत बड़ा हो गया, अल मुख्तार का मीम छोटा हो गया, उसकी आंख बंद हो गई। तो जी जी इन जी चीजों को आपने देखना है। बिल्कुल सही। बाकी बहुत अच्छी कोशिश है, और जिसे कहते हैं कि एक रिथम में लग रहा है। इसको आप जब 4, 8, 10, 12, 15 दफा लिखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप खुद, आप पर राज खुलेंगे, आपको फायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये इसको ठीक करें, ये छोटे हो गए हैं, ये ठीक करें, ये वाला हिस्सा ठीक करें, ये ठीक करें, ये हो गया दाल या मीम आसमीन या नून, नून या। बहुत जबरदस्त खुशी हुई देख के। और बस आपने, मैं अभी काम दूंगा आज के, ज्यादा से ज्यादा काम नकल करना है उस्तादों का, फिर आपसे अच्छी अच्छी इंशाल्लाह सरजद होगी। और अच्छा जी, नाम आपने कंपोज किया है, तो आपने पुलिस में पहले अपना नाम लिखा है कभी? सर बस वो जो काम सेंड करती हूँ उसी में ही नीचे लिखने की कोशिश की है और तकरीबन ये उसी तरह का ही लिखा है। बस ये एक नीचे जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है वो थोड़ा सा कंपोज करने की तो कोशिश की है। इससे पहले कुछ नहीं किया। इसमें आपने मीम में वेरिएशन नहीं लेके आई आप, मीम दाल में, कि सर बस ये वाला मीम आ सकता है। ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इसको बात करते हैं इंशाल्लाह। जफर इकबाल भी आपने अच्छा कंपोज किया है, फा को अब यहाँ पर जफर आप उस तरह से ही कंपोज करते हैं ना, जिस तरह पहले वाले मदीहा जफर में किया था।
वो ज्यादा अच्छा होता, और आखिरी वाला अच्छा है। अब इसमें यह है कि अलिफ लाम काफी लंबे छोटे हो गए हैं और फा का मसला है, फा कौन सा है इसमें, कौन सा फा बनेगा, ये आपने तय करना है कि आया कौन सा फा बनेगा इसमें। सही, जब जोड़ने का ख्याल आया तो फिर मैंने ये वाला रॉ बनाया कि इसी रॉ से इसको मैं अगले वर्ड के साथ जोड़ सकती हूँ, क्योंकि पहले बनाया था तो वो जुड़ नहीं रहा था, तो ये माइंड में बस ये आया था। ठीक है ठीक है, अच्छा जोड़ा है। मदीहा जफर जो ऊपर वाला है उसको अच्छा जोड़ा है, जफर इकबाल जो नीचे वाला है उसको आपने अच्छा जोड़ा है, और जो दरम्यान वाला है जफर इकबाल है उसकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की। अगर इसमें ये लाम अलिफ लाम वगैरह ये ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, और इसी तरह ये जो कशिश है तो इसकी जरूरत नहीं थी, उसके साथ रॉ कैसे मिलाना है वो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। इससे ये थैंक यू होगा सो कि मच। आप लोग कुछ ये कंपोजिशन भी सीखेंगे और उसमें मुख्तलिफ रूल्स आएंगे वो भी आपके सामने से गुजरेंगे। तो सायमा ने ओके, कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। और सायमा क्या कहती है, अच्छा एक ही दफा लिखा है, चलें जी अच्छा है, अल्लाह ताला अच्छा खाला के इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत अलफिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अब सबको सब्र जमील अता फरमाए, आज़म अल्लाह अजरम अजरकुम अहसन अजाकुम वफर अली मैयतिकुम आमीन। ताज आ जाएगा यहाँ पे, ताज आएंगे इन दोनों पे, इसको इसके साथ जोड़े, ये अच्छा है लेकिन वाह थोड़ा बड़ा हो गया, वाह यहाँ भी बड़ा हो गया, तो यहाँ भी बड़ा हो गया, काफ को बेहतर करें, नून को बड़ा करना है, इसको टच करें इसके साथ, ताल को छोटा करें, बाकी हरूफ ठीक है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं। साइमा सैयद, तो हम छोटी छोटी कंपोजिशन से आगे बढ़ेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह हम ज्यादा सीखेंगे। तो हम वैसे तो असातिज़ा के काम नकल करूंगा, नकल करने का कहूंगा, ये जो आप लोगों के नाम हैं इस पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। अच्छा जी, शहर मैंने लिखा है, दीवान जली वाला सौत बना दिया आपने, ये वाला अच्छा कंपोज किया आपने, खान में कौन सा खा आएगा उसको देखना है आपने, ये भी अच्छा है जबरदस्त। अच्छा ये आपने नकल किया है, इसको देखना है बईना, ये सीन लग रहा है पूरा का पूरा, तो ये उसका उठाएंगे, फिर मैं इसको नोट कर लेता हूँ भाई में। अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ये नून लगे, अभी ये रा या जा लग रहा है ना, ये बहुत करीब हो गए, इसको दरमियान में इस तरह से लाएं कि दोनों के दरमियान फासला बराबर रहे। ये आपने देख के लिखा था, बस थोड़ा सा और तिरछा होगा ही, अभी जो एराब है ना आपके वो थोड़े से छोटे करने से पहले, ये वैसे तो जली की तरकीब हो जाती है जब ये क्रॉस करेगा लाम दाल को, अलग से अगर आगे लिखेंगे ये खफी की तरकीब आखिरी रफ में फिर भी गुंजाइश चली जाती है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर करना चाहें तो भी आ सकता है। अच्छा बहरहाल अच्छी कोशिश है माशाल्लाह।
अच्छा जी, आयशा सिद्दीका बिनते अब्दुल मन्नान, माशाल्लाह आयशा आपने कमाल किया है। आयशा तो मैंने पहले लिख के भी दिया था, सिद्दीका भी लिख के दिया था, वो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। बिंत भी मैंने उस दिन लिख के दिया था, अब्दुल मन्नान रह गया बस, उसमें खत की कमजोरी लग रही है, बाकी तो आपने देख के लिखा है। ऐसा ही है तो, लेकिन अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, अच्छी जगह जोड़ा है, मीम को टच करें नीचे दाग के साथ, नून का ताज भी रह गया, आइन को थोड़ा और खूबसूरत बनाना है, और जो इशरा सिद्दीका उसको थोड़ा सा और यहाँ से लेके आए, उसको भी यहाँ से लेके आए, मन्नान में भी आ सकता है ताकि ये चार जबरे हो जाए। सही है, एकदम मन्नान को देख लेते हैं इंशाल्लाह, मतलब इस लफ्ज को देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत, अच्छी कोशिश है। और आपने ये कंपोज किया, तस्वीर आपने थोड़ी अच्छी भेजी है, इसमें भी आपने साइज छोटा कर दिया लफ्जों का, लफ्ज आपस में मिल भी गए कहीं कहीं, यहाँ बहुत फंस गया आपस में, यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, यहाँ छोटे हो गए, ओवरऑल अभी खत में भी बहुत मेहनत करनी है, इसमें खत कमजोर है, ऐसा है यहाँ, और फिर लफ्ज भी छोटे हैं, सिर्फ लिखना नहीं है अच्छा लिखना है। और जैसे अभी 3 लाइनें आपके सामने हैं, आपसे मैं कहूं कि 10 लाइनें लिखे हैं, 3 लाइनें लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, तो आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि ओहो 10 लाइनें कैसे लिखी जाए, आप पहली लाइन पे फोकस करें, पहली अच्छी लिखे, फिर दूसरी की बारी आएगी, दूसरी अच्छी लिखे, 10 को सोचेंगे एक भी अच्छी नहीं लिख सकते, बड़ा काम होता है तो इंसान सुस्त होकर बैठ जाता है कि कैसे करें, नहीं ऐसे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना, हमेशा ऐसे ही शुरुआत होती है, 10वीं सीढ़ी पे कदम रखने के लिए पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है। तो इस चीज को आपने सामने रखते हुए अपने काम निपटाने हैं। अफसा बिनते सरफराज अहमद अंसारी, माशाल्लाह, बिन को भी आप बड़ा कर देती तो अच्छा रहता, या फिर छोड़ ही देती हैं, अफसा सरफराज अहमद अंसारी, पहले तो आपने यही लिखा था मेरे ख्याल से, इसको आप जोड़ दें इसके साथ, और अच्छा है आपने सारे ये वाले रॉ डाले, तो इसमें जो और ऑप्शन ना वो भी हम देखते हैं, इसके साथ टच हो जाता है, और यहाँ खाली है इसको यहाँ से ले आते हैं, ये ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसके ऑप्शंस पे भी हम गौर करते हैं, कोशिश अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन सब अलग अलग है, अभी जुड़ा हुआ नहीं है कुछ, अलग अलग कर दिया सब, अलग इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस ना करें, यहाँ से लेते हैं वो जली में क्रॉस होगा, ठीक है, मेहराब भी अफसा का जो खड़ा जबर है वो भी उल्टा डाल, चलिए माशाल्लाह, सदफ ने कोशिश की, अभी अल्फाज छोटे हैं, बा के अगर नुक्ते लगाए अंदर, कितने नुक्ते हैं, कितने नुक्तों का बा, दाल का ये हिस्सा कितने नुक्तों का, ये हिस्सा कितने नुक्तों का, यहाँ कितने नुक्तों का, ये मतलब एक नुक्ता आ रहा
लफ्ज छोटे हैं, कलम बड़ा है, कंपोजिशन छोटी बनाए, थोड़ा सा और ऊंचा करें, थोड़ा सा और बड़ा करें। समझ आएगा इंशाल्लाह, बताऊंगा मैं। सदफ अमजद, फा थोड़ा सा सुलस वाला हो, करीब करीब हो, अलिफ ऊंचा करे, मीम जीम दाल, अच्छा लिखता है, थोड़ा सा करीब होगा, मैं इस पे भी देख लेता हूँ। ये आपने अच्छी प्लेसमेंट किया, लफ्ज अच्छे जोड़े हैं और काबिल तहसीन है, बस इसमें खत बेहतर करना है। बहुत अच्छी, समझ रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात। चलें जी, बिस्मा ने सिर्फ अपना नाम लिखा आज। बिस्मा क्या कहेंगी, क्या इलियास के अलीफ और लाम में बहुत ज्यादा कुर्बत नहीं हो गई? ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में ये होना चाहिए कि अलिफ यहाँ आएगा और लाम या यहाँ आएगा, ताकि स्पेसिंग बराबर रहे। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें रियाज को भी लिस्ट में रख लेते हैं। अच्छे स्ट्रोक से थोड़ा खुला खुला हो गया, और आज के कामों में से आखिरी काम है मिस मुफीशा का, मुफीशा, अच्छा मुफीशा है। अच्छा ये ऊपर वाला अच्छा कॉपी किया आपने, इसमें या का ये हिस्सा देखें और राव थोड़ा सा बड़ा, ये टेढ़े टेढ़े हो गए, पतले हो गए, ये तिरछे हो गए ज्यादा, बाप को बेहतर करें। और नाम की कंपोजिशन अच्छी है, फाक को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। ये वाला मीम भी ट्राई करें, अली में इस हिस्से को देखना। ठीक है, बाकी अच्छी कोशिश है। अब इस जगह को कैसे पूर्ण किया जाए वो इंशाल्लाह। चले जी, आप लोगों के नाम नहीं जो आज हमारी जो कवायद आएंगे ना, रूल्स आएंगे, तो उस पे जिन्होंने कुछ ना कुछ काम भेजा है उनके काम पे ही, उनके नाम पे ही तबसरा हो रहा है आज। अब जैसे कि मदीहा जफर, यहाँ जगह खाली है, या के नुक्ते यहाँ आ जाएंगे, हा का कोई नुक्ता नहीं होता, हा का कोई नुक्ता नहीं होता, तो ये इसी के
शुमार किए जाएंगे। सर ये हा जो सा है जोए के मतलब उसमें नहीं आ रहा जोड़ में, मतलब इसकी एंडिंग जो सी है मदीहा के एंड की। हाँ जी ये ज्वाइंट पे आपने कहा था ना नहीं आना चाहिए। नहीं, ये जॉइंट में नहीं है, ये दरअसल जिस तरह ज़्वा है ये है, तो ये इस तरह आके इसके साथ टच हो गया और ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ आगे कंटिन्यू, तो जॉइंट में नहीं है, ये नीचे है, नीचे इसके साथ टच, यहाँ टच हुआ इसको। ये तो जैसे कहते हैं ना कि काबिले तहसीन हो गए। ये हमने हा का रखा है, नीम का ये रखा है, ये या का जज्म आ गया, मदी हा जफर। ऐसे भी कर सकते, ये वाला भी कर सकते, मीम के नीचे मीम की तशकील आ गई और यहां पर आ गया मेरा साइन। कैसा है ये जेर आ गया, इसकी कंप्लीट लग रहा है थोड़ा बहुत। उसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। ये देखिए इसने आकर जगह कवर कर दी, इसकी जो कशीदगी थी उसको कवर कर दिया, जफर इकबाल में आपको देखना है ज़ा और फा कैसे जुड़ते हैं। फा चूंकि नीचे आता है ना उसके बाद रा, तो फा ये वाला मुफीशा में कुछ और फा बनेगा, इसमें कुछ और फा। जफर इसको आप छोटा रखें और ये आपका ये ऑफ आएगा, यहाँ आपका दिखा दिया बराबर, ये आपके अब्बू को भी दिखाइए। वारिस साहब का नाम है, जी सर, मेरे फादर का नाम है। इंशाल्लाह।
इकबाल का, हमजा के नीचे ये आ गया। अब ये खाली जगह रह गई ना, तो यहाँ पर ये आ सकता है, यहाँ तिल आ सकता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिमिलर करेंगे। ये आ गया, यहाँ पर इकबाल का ये आ गया, यहाँ पर नीम तरफीली आ गया। ये भी खूबसूरती के लिए आता है, तरफील के साथ मीम आता है, और ये लाजमी नहीं है कि मीम के ऊपर आए, ये किसी भी हर्फ के ऊपर आ सकते। यहाँ पर बड़ी वाली बड़ा वाला शोला बनता है। ये भी सिंपल सिंपल जो दीवानी, ये सुलुस रफी की हमने कॉम्पोजिशंस बनाई, इसके अलावा अच्छा, मैं ज्यादा वो खत पे तवज्जो नहीं दे रहा, इतना खूबसूरत नहीं लिख रहा, बस आप लोगों को कंपोजिशन समझाना मकसद है। और अब आते हैं बाकी जो आपने ये लिखा था ना, ये गोल वाला, ऐसा भी हो सकता है। ये खूबसूरती के लिए आता है, लाम पर मीम तरफील के साथ ये आता है, ये इसको कहते हैं मीम तरफीलिया। तरफील है ना, ये तरफील के साथ जो मीम होता है, मीम तरफीलिया, ये किसी भी लफ्ज के ऊपर आ जाता है खूबसूरती के लिए, जगह पुर करने के लिए। अच्छा, ये वाला भी आ सकता है, आपने जो लिखा इस तरह से, लेकिन ये हम जली में करेंगे इंशाल्लाह, इसको बात के लिए छोड़ते हैं। ये पूरा ये शेप है, ये सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिखाएंगे आपको। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, इसमें साइमा की बारी। सौद अलिफ सौद को कैसे जोड़ना है ये आपको पता होना चाहिए, उसके सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमजा मीम में जो आपने इख्तियार किया था वो ये वाला था, बामीम ये वाला, यामीम, अब इसके साथ सीन, ये सीन का पहला शोशा जो सैयद में, क्योंकि शोशा है ना आगे, तो इसको थोड़ा फासला रखें, 3 नुक्ते का फासला रखें, इसके बाद
दोनों दोनों चीजें एक साथ भी आ सकती हैं, यानी हम जज्म भी लगाए हैं, सुकून भी लगाए, ये सुकून छोटी और ये जज्म बड़ी जज्म, इसमें फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी है, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिखता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ छोड़ेगा, ये ऐसे करके ये वाला नियम आ गया, इसके साथ यही वाला सही जोड़ दिया। हाँ, तो ऊपर ये वाला बिल्कुल ये मोटा मोटा मैंने कंपोज किया है, इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जली में सुलझ जली, सुलझ जली, सुलझ जली। अच्छा जी, नशेला वो जो बहीना था, तो बहीना ऐसे था, ये बानों का में जोड़ पड़ा था ना, ये उसके साथ बस बात हो गई। अब देखो, शहला खान भी और शहला फैसल भी, अब मैं खान में जो गलती की है ना, ये के खालिफ ये वाला बनेगा, ये पहला जो जीम अलिफ चा, अब शहला है, ये अजमी लफ्ज है ना, शहला लिखो, इसको शीहला लिखो, शाहला लिखो, ये मसला है यहाँ पे। खड़ा जबर, लाम अलिफ जहाँ आ जाए वहां खड़ा जबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ला आवाज खींच रही है, तो खड़ा जबर भी आ सकता है। चलो, अगर दूसरे के साथ लिखते हैं तो अच्छा, हाँ इस तरह से, इसी तरह शहला फैसल लिखना है, ये आप देखें कैसे मैं लफ्जों को जोड़ रहा हूं, कौन कौन सी तख्तियां किस इस्तेमाल होनी है, क्या वेरिएशन होगी, तो ये देखने से आपको अंदाजा होगा। आया।
या सॉल्व, सॉल्व नाउ। ठीक है, अब्दुल मन्नान। आयशा को हमने पहले नाम लिख के दिया था, काफी में आपने वैसे भी अच्छा लिखा है। अब्दुल मन्नान की कंपोजिशन भी आपने अच्छी की है, उसमें उसको आप यहाँ लाए। सिंपल तरीका यही है, क्योंकि फासला बरकरार है। अच्छा, इसको यहाँ कर सकते हैं कि ये करके यूँ करें और नीम यहाँ टच हो जाए इसके साथ, लेकिन उसमें ये होगा कि ये नशे इसकी ये आ रही है और ये ऊंचा चला जाए। तो फिर हमने ये करना है, तो ये हमारा आप देखें, ये नीचे है, ये ऊंचा है, तो नीम को यहीं रखेंगे हम। ये कर दें या फिर इसको ये वाला नोन बना दें, इसको यहाँ ले जाए, यहाँ हाँ एक सूरत है इसकी, नाम आप ऐसे करें, इसमें थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। यहाँ यार ये इसके बराबर आ गया ना, तो थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें। अब जरा टफ टाइम है, सब फराज है सारे लोग। इसको यहाँ रख ले, इसको ये कर दे ताकि जगह पूरा हो जाए। आ गया, आ गया। नहीं ये मैं कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ, इतना अच्छा थोड़ी लिख रहा हूँ मैं, इसके साथ टच हो जाएगा।
ये वाला भी आ सकता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नून और स्वाद यहाँ से आएगा। ये देखिए इसका ये फ्लो बन रहा है, अगर से इसे टच हो सकता है, लेकिन इसका ये फ्लो अच्छा बन रहा है, तो फिर ये इस तरह से है। अच्छा अब हम इसको जरा देखते हैं थोड़ी सी और इसमें, देखें इसको आ सकता है वो भी हम देखते हैं। इसके साथ टच हो गया, इसके साथ ये जब हम लिखेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें बात लंबी हो रही है, जली में लिखेंगे ना, तो ये मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम ये करेंगे। ये सारे लफ्ज आपके नीचे नीचे आ रहे हैं, ऐसे करेंगे या ऐसे। पिता बन गया अब, सही कह रहे। इसमें कुछ
ऐसे भी बन जाएगा ये अभी इस पे, ये तो मैं सोच रहा भी नहीं हूँ, साथ साथ लिख रहा हूँ, जब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इस पे फायदा सोच के काम करेंगे फिर और मजा आएगा। अच्छा जी, सदफ अमजद, आपने तो पहले ही अपनी बात ठीक बना दी थी। परफेक्ट बनाए थे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरकीब के हिसाब से भी ठीक नहीं है कुछ। सर जैसे ये अभी आपने अलिफ लिखा है, इसी तरह सुलुस जली में जो अल्लाह लिखा होता है तो अलिफ जो है वो दरमियान में लिखा हुआ आ रहा होता है अक्सर जगहों पर, तो ये ट्रेडिशनल स्टाइल है या मॉडर्न है? देखें, जब हम अलिफ बीच में लिखते हैं तो ये सुलुस जली में आता है, और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये सुलुस सुलुस में, जली में भी, खफी में भी आता है, बीच में आता है तो जली में आ जाता है। इसी तरह ये भी आता है ना, तो ये जली में आता है, ट्रेडिशनली है सारे। ओके तो सदफ आपका तो यही अच्छा है, जली में हम इंशाल्लाह बाद में कोशिश करेंगे इसको। सर, वो पहले वाला तो मॉडर्न में लग रहा है, क्या लग रहा है वो? सेकेंड वाला मॉडर्न में लग रहा है, मॉडर्न हाँ, कैलिग्राफी में। थोड़ा सा मॉडर्न टच दे रहा है इस तरह से, हम करेंगे इंशाल्लाह इसको। जली की जब तरकीबें आएंगे ना, फिर आपको मैं जरा उसूल बताऊंगा कि नीचे से हम क्यों शुरू करते हैं, मसला कैसे लिखते हैं। अभी तो बस ऐसे ही थोड़ा तफीली के लिए कर रहा हूँ, बहुत इसमें तो यानी कितने ही आइडियाज आते हैं, आइडियाज आते रहते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छा है, और आपने जो तरकीब बनाई थी वो मेरा फेवरेट तक यही है, सोलो सन्नास तो बिस्मा। अरबी में वैसे बस्मा होता है। अच्छा, इसमें फिर यही है कि आप ये इसको
इसकी बैठक पे लाना है। हाँ जल्दी में हम इंशाल्लाह इसको इस किस्म का बनाएंगे। हाथ तो बेहतर करना है लेकिन देखते हैं और अब तक ठीक। और क्या रह गया भाई, मुफीशा रह गया। भाई जिनके नाम मैंने खूबसूरत करके नहीं लिखे तो मैं माजरत चाहूंगा। ठीक है ये तो इसीलिए मैं इससे लिखा हूँ वरना कलम से मुझे सदब जहरा। जी, वैसे तो होना यही है, जिसने काम भेजा उसके नाम लिखेंगे आज। जहरा आप जहरा लिखती हैं या जहरा अलिफ के साथ? सर अलिफ के साथ, अलिफ के बाद हमजा, बिल्कुल और एक मेरा मुफीशा। सिर्फ सदब जरा लिख दिया का, एक मेरा पूरा भी लिख दें। पूरे के पूरे मैं कौन कौन लिख है? सैयद सदब जहरा बुखारी। बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा लिखते हैं, उनको लिखते हैं। कैसा है भाई मुकेशा, मजा आया? तरकीब के जेर जबर ने ना इसके जान डाल दी इसमें। बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त सेटिंग। ये तो हम ऐसे भी लिखें। ये जरा जली में चला जाएगा। अगर हम इसको यूं करते हैं ना,
भाई ये देख लें, अच्छे अच्छे नाम आते हैं, अच्छी अच्छी कंपोजिशन बन रही ये। हाँ इसका यहाँ जुड़ेगा, हाँ इसका यहाँ जुड़ेगा, कैसे बहुत ही जबरदस्त। अभी तो ये लिखा है, इंशाल्लाह कभी फुर्सत में लिखेंगे अच्छी अच्छी कंपोजिशन। इसकी तो बहुत अच्छी कंपोजिशन हो सकती है, बहुत वेरिएशन है इसमें। बहुत चलो बहुत ये शुक्रिया देखिए सर। आप, सर एक मेरा सिर्फ सदर सहरा भी कर दें। भैया आप लोग आज कंपोजिशन भी सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? इससे कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ नाम, ये जैसे कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम है आपने सीखना भी है इससे? ये इस तरह से जुड़ गया। जजाकअल्लाह सर, थैंक यू सो मच। इसको यहीं छोड़ते हैं। चलिए, और कौन है भाई जो नाराज हो रहे हैं? मोहम्मद ऐसे जोड़ेंगे, मुआज ऐसे जोड़ेंगे, कैसे आ जाएगा? सही में कर देंगे मुआज अहमद, इसको यहाँ मुआज,
मिस मैदा कहेंगी कि मैदा क्या होगा? सर आप मुझे ऑलरेडी लिख के दे चुके हैं, मैं उसको बैठी कॉपी कर रही थी जब से। तो आपने मुझे भेज देना था ना, मुझे तो याद नहीं था, तो कम से कम आपको गुड मिलता आज। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस का मौका दे रही हूँ, आप दोबारा लिखिए। सही है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरती से लिखा था, मैं वही लिखने की कोशिश कर रही थी, मैं तो खुद इम्प्रेस हो गई थी खुद लिख के। आपका ऐसा है कि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इसको रॉ सीन से टच हो सकता है, गोल वाला भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ ये ज्यादा अच्छा है। सुमैरा सभी थैंक यू सो मच। अब मैं स्क्रीन शॉट ये मार्कर है, सकुरा वालों का आता है, कलम खत अरबी कैलीग्राफी पेन सकुरा का है, 2.0। इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं, 2.0, तीन साइजेस आते हैं, 1.0, 2.0, 3.0 पास है, तो अच्छा रहता है, इंक अच्छी होती है। अच्छा जी, माही नासिफ भी नाराज ना हो, ऐसे कंपोजिशन सिखा रहा हूँ। आपका नाम मैंने वैसे बहुत अच्छा लिखा था पहले। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद नहीं है आज, इसके साथ टच किया अरिफ यहाँ आ गया। सिंपल सिंपल है, सीधा ठीक है। मुझे शाजिया नहीं आ जाना सर, अब गिल जो है ना ये गाँव आ गया इसमें, अरबी में नहीं होता ना। तो सर अरबी में जीम लिखेंगे काफ की जगह? नहीं वैसे तो जीम लिखेंगे, लेकिन हमने तो गिल ही लिखना है, तो इस तरह दो डंडियां डाल, हम थोड़ा सा इश्तिहात करेंगे अपनी तरफ से। तो सर वो क्या पढ़ेंगे अरबी? शाजिया जिल, वो गिली पढ़ते हैं आजकल, तो गिली गाफ पढ़ते हैं, वो तो जीम को गाफ पढ़ते हैं मिस्री, वो उनके यहाँ गाफ नहीं है, लेकिन वो जीम को गाफ पढ़ते हैं मिस्री वाले, मिस्र वाले। वो एक लतीफा है ना, पा एक मिस्री दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा आतिनिल गन्ना, अल्लाहुम्मा आतिनिल गन्ना, तो पाकिस्तानी बहुत सारे गन्ने ले आया, उसके बाद कहते ये ले, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, गन्ने ले ले। बोले गन्ना नहीं, मैं जन्ना मांग रहा हूँ। सर सऊदीया में भी उधर एक बस स्टैंड था ना, तो हाँ उधर वो जद्दा में वो गद्दा 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 कर रहे थे।
हाँ बोलते हैं गद्दे गद्दे गद्दे। इस तस्कीन नहीं है हमारे साथ आज, यह है इसका, ये जबरदस्त आ गया, देखिए आ गया, वाह भाई कितनी जबरदस्त कंपोजिशन, सिंपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आज आपको उनकी क्लास लंबी होगी। इसमें हम सा छोटा करके ऐसे अंदर डाल देंगे, जैसे वाव बनाया था ना आपने, वो नो के अंदर वाव पहली तख्ती में, ये जा वाव की जगह। अब आपने अगली क्लास के लिए आप लोगों का होमवर्क क्या है, क्या कंपोज करके लाएंगे आप लोग? तो अगली क्लास के लिए आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कंपोज करके लाए अपने इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मैंने खत्ते में रकम लिखा है, आपने लिख के लाना है इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसको आप खत्ते सुलुस में सीधा सीधा तय के अंदाज में, सीधा सीधा रेक्टेंगल में जितने ऑप्शंस हैं सबके साथ लिखें, यानी कहीं नॉन मीन ये वाला बन रहा है, कहीं नॉन मीन ये वाला बन रहा है, और कहीं मीम अलिफ, सीधा मीम अलिफ लाम कहीं जुड़ा हुआ है, अलिफ लाम कहीं जुड़ा हुआ है, तो जितने ऑप्शंस इसके होते हैं सबके साथ आप इसको लिख के लाए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, लाम अलिफ ये वाला, लाम अलिफ दूसरा वाला, तो ये है आपका टास्क, देखते हैं भाई कैसी कंपोजिशन होती है। चलिए आज के लिए काफी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, सलाम।